नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रेक्टर में जो आपका NONC कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैंने एक कॉन्ट्रेक्टर का होल्डिंग का जो वायरिंग होता है वो कर चुका हूँ। ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग समझाएंगे कि आखिर ये जो NONC जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, या हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर में NONC कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, वो कैसा काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है NONC कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो देखिए जो सिंबल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो NO का सिंबल ऐसा रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल ओपन कहलाता है, इसको इसका फुल फॉर्म नॉर्मल ओपन है। और NC का बात करेंगे तो आपका इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्लोज होता है। तो आपको दिख रहा है कि देखिए ये जो केबल है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज है, देन ये आपका NC कहलाता है, और यहाँ पे आपका ओपन दिख रहा है, सो ये आपका NO कहलाता है। ठीक है, इसी को अगर आप दूसरे तरह के तरीके से अगर बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए नॉर्मल ओपन में क्या दिखा रहा है, ये दोनों ओपन दिखा रहे हैं, और उसी को हमको क्लोज आपको दिखाना है, तो इसमें क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपको वायर कैसे दिख रहा है, आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, NC हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, और इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो आपका NO रहता है। ठीक है, बट इसके ऊपर हम एक ब्लॉक लगाते हैं जिसको एडम ब्लॉक कहते हैं या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। अगर इस कॉन्टैक्ट को अगर मैं इसके ऊपर लगा देता हूं तो इससे आपको समझ में आएगा आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे NO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपका नॉर्मल ओपन है, और ये जो पॉइंट दिखा है NC, ये आपका नॉर्मल क्लोज है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ इसमें एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को आपको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस कीजिए और यहाँ पे रख के हल्का से इसको पुल कर दीजिए, तो ये आपका लग गया। ठीक है, अब मीटर से मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा है, कॉन्टैक्ट क्या है। मैंने बोला था कि जो NC है वो उसमें आपका कंटिन्यूटी रहेगा NC में, है ना, क्योंकि ये कनेक्ट है, और NO में आपका डिसकनेक्ट रहेगा, इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो पहले देख लेते हैं। देखिए ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में मैंने सेट कर दिया। ठीक है, देखिए ये कंटिन्यूटी में है। अब मैं कहाँ पर लगा के रखा हूँ, अभी सबसे पहले NO में लगा के रखा हूँ। तो देखिए आपका ये नॉर्मल क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है NO में, और इसको क्लोज में दिखाएंगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। देखिए ये क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब हम इस कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट कर देंगे या इस कॉन्ट्रेक्टर को ऑन कर देंगे, उस कंडीशन में ये जो दोनों कॉन्ट्रेक्ट है आपस में आपका चेंज हो जाएगा, मतलब जो NO रहेगा वो NC बन जाएगा और जो NC है वो NO बन जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट को NONC कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऑपरेट करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कंट्रोल MC भी चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल MC भी ऑन करके मैं देख लेता हूँ, पहले पावर सप्लाई। ठीक है, ये चालू है, अब इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अभी DNRIZE है, इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब इसको हम ऑपरेट करते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर मैंने ऑपरेट किया, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करता हूँ, जब मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करता हूं तो देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें किसी भी प्रकार का हमने कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट नहीं किया है, इसके कॉइल में कोई सप्लाई नहीं दी है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या दिखा रहा है, जो लिखा है वही दिखेगा, मतलब जो NO है वो NO रहेगा। ठीक है, ये NO दिखा रहे हैं यानी कि नॉर्मल ओपन है, और जो NC लिखा है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये NC दिखा रहा है। ठीक है, और ये हमने अभी कंटिन्यूटी में सेट करके रखा हुआ है, जब मैं इसे ऑपरेट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल MC भी ऑन कर देता हूँ और इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब जो आपका NO दिखा रहा है वो NC बन जाएगा, और NC जो है वो NO दिखाए NO बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। देखिए मैंने ऑपरेट किया, अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो आपका NO दिखा रहा था वो NC हो जाएगा, NC हो गया, और जो आपको NC दिखा रहा था वो NO हो जाएगा। देखिए ये NO दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो NONC कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम लोग NONC कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इस NONC कॉन्ट्रैक्ट को आपका कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉक करना है, या इंडिकेशन जो लैम्प होता है उसको इंडिकेशन के लिए जो ऑन ऑफ लैंप होता है उसको दिखाने के लिए हम भी कॉन्ट्रैक्टर या स्टार्टर जो रहता है उसमें स्टाफ है या स्टॉप है उसको दिखाने के लिए हम इस ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि उस पर मैं अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।